हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मैथिली सरल गुप्त का जीवन व साहित्यिक परिचय। ये आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जीवन परिचय। मैथिली सरल गुप्त जी का जन्म सन 1886 ईस्वी में झांसी जिले के चिरगांव नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त था। घर पर ही रहकर इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत व हिंदी का स्वाधीनता से अध्ययन किया। 12 दिसंबर 1964 ईस्वी को इनका स्वर्गवास हो गया। अब बढ़ते हैं साहित्यिक परिचय की तरफ। मैथिली सरल गुप्त बचपन से ही काव्य रचना करने लगे थे। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के संपर्क में आने के पश्चात इनकी रचनाएं सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होने लगी। सन 1909 में इनकी प्रथम पुस्तक रंग में भंग प्रकाशित हुई। सन 1912 में इन्होंने भारत भारती नामक पुस्तक का संपादन किया। इन्होंने खड़ी बोली के विकास में भी बहुत बड़ा योगदान दिया। अब बढ़ते हैं कृतियों की तरफ। साकेत, यशोधरा, जयद्रत का वध, आनंद, पंचवटी, झंकार, प्लासी का युद्ध, इसमें हमने बहुत सारी रचनाएं आपको बताई हैं। अगर आप क्लास ट्वेल्थ में हैं तो आप ये पूरा लिखेंगे, अगर आप क्लास टेंथ में हैं तो इसमें आप रचनाएं कम कर सकते हैं। ऐसी वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।